आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। महिलाओं के लिए काम करने वाली एक महिला जो हरियाणा की रहने वाली है, उसने यूएन के अंदर भारत का नाम रोशन किया है। 3 बार जो है महिलाओं राइट, जो वुमेन राइट और वुमेन राइट पर उन्होंने वहां पर स्पीच दी, और भारत में जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार होते हैं और उनको किस तरीके से बचाया जाता है, उन्होंने विदेशों में अपनी भारत का नाम रोशन किया है, उसको लेकर हमारे साथ खुद दीपिका देसवाल मौजूद हैं। दीपिका जी, पहले तो आपको बधाई कि आपका जो नाम है वो गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड किया गया है। थैंक यू, थैंक यू। आप 3 बार विदेशी धरती पर भारत के महिलाओं के लिए बोली, ह्यूमन राइट्स के लिए बोली, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप और किस तरीके से आपने ये काम किया है? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मतलब ये इतना इजी नहीं होता जब कोई भी किसी मैटर में करते हैं, तो बड़ा लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं कि सब किसी का हक दिलवाने के लिए। तो जब वो हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने भारत देश को, तो हम वो 133 करोड़ देश के लोग हमारे माइंड में रहते हैं, अपने देश का फ्लैग हमारे माइंड में, अपने देश का नाम हमारे माइंड में रहता है, तो वो बड़ा फ़ख्र महसूस होता है, अपने देश पर बड़ा गौरव महसूस होता है, अपने कल्चर पर, अपने हमारे मॉरल वैल्यूज़ पर, अपने देश की अच्छाइयों पर। तो किस तरीके से आपने महिलाओं के लिए काम किया, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी खबरें महिलाओं के लिए आती हैं, बच्चियों के लिए आती हैं, कि किस तरीके से आजकल लोगों की जो मानसिकता है वो काफ़ी बदल गई है? जी बिल्कुल, जब आप देखिए कितने, इवन दिल्ली में देखिए, जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2010 में, तो काफ़ी प्लेयर्स आए नहीं थे, उन्होंने गूगल किया तो देखा इतने रेप केसेस, तो लड़कियाँ डरती आई नहीं, क्योंकि फॉरेन में एक अलग अपब्रिंगिंग है, तो उनको ये मैसेज बड़ा ख़राब जाता है, और ये हमारे ही लोग जब ये इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते तो बड़े दुख की बात होती है। तो इन लोगों को ना अपनी अपनी लड़कियों के लिए घर, अपने घर से रेस्पेक्ट स्टार्ट होती है। अगर आपने अपने घर से ही लड़कियों को बराबर, अपनी बहन को, अपनी मदर को इक्वल ट्रीट करेंगे, तो वो बाहर भी आपका वही बिहेवियर रहेगा। तो आज की डेट में ज़रूरत है कि सबको एजुकेशन मिले, जब एजुकेशन होगी तभी इन लोगों को नॉलेज आएगी, तभी इन लोगों को अपने हर चीज़ पे संयम रहेगा। तो ये कई वैल्यूज़ हैं कि पढ़ाई के साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ भी ज़रूरी है, नॉलेज भी ज़रूरी है, और एक अच्छा बिहेवियर भी ज़रूरी है। आपको 3 बार विदेशी धरती पर बुलाया गया, कब कब आपको बुलाया गया और किस किस तरीके से, क्या क्या आपने वहाँ पर स्पीच जो है वो दी है? क्या भारत से आप सिर्फ अकेली महिलाएं थी या फिर और कोई भी जो है आपके इस डेलीगेशन में जाता था? जी, इंडिया से मैं ही गई थी। 2018 में मुझे फर्स्ट टाइम यूएन में जब बुलाया गया था, तो उस टाइम पे मैं लड़की थी जो जिसका मैंने केस में मदद की थी, उसको प्रोस्टिट्यूशन में धकेलते थे, तो बाद में पता चला कि पूरी की पूरी गैंग थी, ये एज अ वर्कर को लड़की लेके आते थे उनके पेरेंट्स से कि उसको काम लगाएंगे या वहाँ पे मेड ऑफिस में, लेकिन बाद में आके बेचारी छोटी छोटी बच्चियों को प्रोस्टिट्यूशन में धकेल देते थे। तो जब एस शिवान जिले से एक बच्ची के साथ ऐसे हुआ था, 7th क्लास में थी, वो किडनैप कर लिया था, तो मैंने प्रशांत विहार थाने में मतलब वहाँ पर इन्फॉर्म किया DCP सर के थ्रू। तो ये ऐसे अलग अलग इंसिडेंट्स हुए थे, फिर पता चला कि पूरी की पूरी गैंग है, ये सब पकड़े गए, धर दबोचे गए। ऐसे ही फिर 2019 में हुआ, तो मुझे फिर ब्रेवरी अवार्ड में मिला। फिर लॉकडाउन में हुआ कि मैंने 10,000 से ज़्यादा लोगों की मदद की थी, जो लॉकडाउन में बेचारे कोई अपने घर से दूर था, किसी के पासिस बनवाए, जो वैष्णो देवी से आ रहे थे वो लोग स्टक हो गए थे लुधियाना में, कोई जलंधर में, तो उनका पूरा का पूरा फूड ये CM साहब से मदद करवा के, ऑफिसर से मदद करवा के, अपने कुछ लोगों के पास बनवा के वहाँ भिजवा के, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सीन थे और केसेस थे। और ऐसे ही एक लड़की थी जिसको, जो सिंगर थी, वो एक ऐप पे आके गाना गाती थी, बाद में पता चला एक अमृतसर का लड़का उसको गंदे गंदे मैसेज कर रहा है, फिर जब अमृतसर पुलिस ने उसको पकड़ा तो पता चला उसके डाटा से दुनिया भर की लड़कियों को उसने गंदे गंदे मैसेज कर रखे थे। तो ऐसे अलग अलग केसेस हुए जिसके रिगार्डिंग फिर इन्होंने मेरे को वहाँ पर इन्वाइट किया, और मुझे वुमेन कमीशन से भी, काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट से भी ब्रेवरी अवार्ड अलग अलग जगह से मिले। कौन कौन से राज्यों में जो है महिलाओं के लिए आप काम करती हैं और कितनी कठिनाइयाँ इस काम में होती है? जी, भारत की कोई भी लड़की हो, ज़्यादातर वैसे मैंने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मुंबई से महाराष्ट्र, गुजरात, तो काफ़ी अलग अलग केसेस हुए हैं जिसमें काफ़ी स्टेट की लड़कियों की मैंने मदद की है। अगर कठिनाइयों की बात करें तो कहाँ कितनी कठिनाइयाँ आती हैं? कठिनाइयाँ तो बहुत ही ज़्यादा आती हैं, मतलब हर एक पुलिस ऑफिसर्स का ना रवैया इतना अच्छा नहीं रहता, बहुत कम ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं जो स्पीड से एक्शन लेते हैं, और कई तो इतने ऐसे हैं कि रूडली तरीके से बात करेंगे, सेंसिटिव नहीं रहते,
तो वो उनका रवैया देखकर बड़ा बुरा लगता है कि जब ये ऑफिसर लगते हैं कसम खाते हैं भी हम अपने भारत देश का ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन रियलिटी में फिर इनकी जीरो ड्यूटी रहती है, जीरो इम्प्लीमेंटेशन रहती है, तभी इनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जो देख के बड़ा बुरा लगता है। तो उनको याद दिलानी पड़ती है उनकी कसम और उनका फर्ज। अगर भारत की बात करें, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार के केस आते हैं अगर बात करें तो? काफ़ी हैं। अब देखो, अब पिछले साल की बात है, एक चाइल्ड मैरिज का केस था, छोटे इतने छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे ख्याल से 6-7 साल का, कोई 6-8 का ऐसे, उन्हें यही नहीं पता शादी का मतलब क्या होता है, इतने छोटे छोटों की शादी कर दी। वहाँ के मेरे DC, SSP, IAS ऑफिस सबसे बात हुई, FIR भी दर्ज होगी, लेकिन उस पर कोई आगे कुछ कार्रवाई नहीं हुई। उन शादी में सामूहिक विवाह के नाम पे छोटे छोटे बच्चों की जो शादी कर देते थे, तो ये लोग ना वहाँ पे नेता भी आ रहे हैं, सारा प्रशासन सो रहा है उस पे ना, मतलब बस ठंडे बस्ते में कर दिया FIR। कौन से राज्य की बात आप बता रहे हैं? राजस्थान की, वो था भीलवाड़ा। तो अगर बात करें, वर्ल्ड गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया है, कितनी खुशी होती है, परिवार का कितना सहयोग? परिवार का पूरा पूरा सहयोग है, दोस्तों का सहयोग है, हमारे देश के हर एक नागरिक का जो मुझसे प्यार करता है, पूरा आशीर्वाद देता है, तो मैं तो अपने पूरे भारत देश का सहयोग मानती हूँ। इवन मैं कॉलेज टाइम से पूरी मीडिया का भी सहयोग है, मेरे को इतना प्यार करते हैं, मैं बड़ी एक्टिव रहती हूँ, तो सारे जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थी, मैं DSU का चुनाव लड़ी हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति में एक्टिव रही हूँ, तो मेरे को सब लोगों ने शुरू से सपोर्ट किया है। यही एक एनर्जी है जो वो अप्रिशिएट करते हैं या फिर एनकरेज करते हैं, तो एक अलग थोड़ा और मोटिवेट हो जाते हैं और दुगनी एनर्जी से फिर हम काम करते हैं। महिलाओं के क्या कहेंगी जिनके साथ शोषण होता है या अत्याचार होता है? मैं सभी लड़कियों को, महिलाओं को ये कहूँगी भाई, तुम पे कोई भी अगर अत्याचार हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग ना सहें, आप थोड़ा सा उस पर अपना स्टेप लें, और आपको पता है जब आप सही हो तो किसी से ना डरिए, और अपने हकों के लिए आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा। हमेशा आपको एक्टिव रहना चाहिए, और जब आपको पता आपका रास्ता ठीक है तो आपको 100% न्याय मिलेगा, और मैं सदैव उनके साथ हूँ। और युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे, क्योंकि अपने देश में मॉडर्नाइजेशन के नाम पर आजकल युवा ना विस्की और पता नहीं कौन कौन से नशे करने लगे, वो बिल्कुल गलत है, वो मतलब हमारे देश का आप देखिए, पहले सारे लोग आर्मी में जा रहे, एक अलग क्रेज रहा था हम वहाँ जाएंगे, अब क्या कर रहे हैं, धुआं छोड़ रहे हैं, दारू पी रहे हैं, क्या हो रहा है भाई, ये हमारे देश की ये ब्रीड है। हमारा भगत सिंह की औलाद हैं, उनकी सुभाष चंद्र बोस हमारे रहे हैं, हमारे देश के उन जिन्होंने जान दी है शहीद, उन लोगों को याद कर लो, सब कुछ इन्हें मिल रहा है तो उसका अपनी अच्छी प्रीशियस लाइफ को ऐसी धुएं में उड़ा रहे हैं, वो गलत है। तो बिल्कुल, ये थी दीपिका देसवाल, जिन्होंने विदेशी धरती पर भारत का नाम रोशन किया है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नॉर्थ टाइम्स, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।